जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बंगाली मिष्टी दुई, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और यम्मी होती है। तो फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है ऑल पर्स का, 1 लीटर वाला। इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये। अगर आपके पास ये ना हो तो आप गाय का दूध भी दे सकते हैं, लेकिन इससे जो टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा, तो इसलिए मैंने इसे ये लिया है। इसे मैं अभी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें आप, ये बॉईल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के चीनी डाल दूँगी और इसको कर लेती हूँ मिक्स। अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है और मैं इसे अब थोड़ा सा हल्का कर लेती हूँ यहाँ पर चूल्हा, ठीक है जी, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा दूध जो है वो रिड्यूस करना है। चीनी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हम लोग चीनी जो है कम यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ये वाला भर के चम्मच डाल दिया है। क्योंकि अब मेरे को पैन, क्योंकि हम डालेंगे एक पैन के अंदर चीनी और उसका हमने करना है कैरामलाइज, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शुगर इतनी ही डाली है। तो ये देखिए मेरा थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है मिल्क, क्योंकि मुझे 5 मिनट्स हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट्स के लिए और इसे दम में छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं हम पैन, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून शुगर, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे कैरामलाइज, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कोई भी पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि चीनी अपना खुद ही पानी छोड़ेगी। और मैंने इसी वाले चमचे से सारी मेजरमेंट जो है वो रखी है। तो ये मेरे पास ये दही है, यही वाले मेजरमेंट से मैंने 2 चमचे लिए थे भर के, ठीक है जी। और इसको इस तरीके से मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ रखे हुए। तो ये देखें दही का सारा पानी इसके अंदर आ चुका है, ठीक है जी, क्योंकि मुझे चाहिए थी एक क्रीमी टाइप, जो कि ये मुझे मिल चुकी है। ये देखें इसने पानी छोड़ दिया है, तो हम थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। ये देखें मेरा दूध जो है काफ़ी अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ चूल्हे में से। तो ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है, ना मैंने कोई कलर डाला है, ये कुदरती देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है, बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है ये, देखें कितना ज़बरदस्त हो चुका है। तो अब इस पॉइंट में मैंने जो दूध जो बॉयल करके रखा था उसके अंदर से मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप मिल्क, और इसमें अंदर मैं स्लोली डालूँगी। तो ये देखें बबल्स बन रहे हैं, और इसमें मैं ये चलाती रहूँगी। हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें सारा मिक्स हो चुका है, और अब इस वाली को हम डाल देते हैं सारा भगोने के अंदर। अब मैं ये सारा इसके अंदर डाल दूँगी। दूध जो है वो मेरा गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। इसके अंदर हमने ये सारा डाल दिया है और इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो ये देखें आप, इसका कलर देखें, कोई हमने फूड कलर नहीं डाला, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो यहाँ पे ये देखें ये हो गया है। यहाँ पे मैंने ये जो दही रखी थी, ये देखें आप, ये देखें बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हो चुकी है ये। तो अब मैं इसको डाल देती हूँ इसके अंदर, लेती हूँ मिक्स, अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि कुछ भी इसको एक डिश में निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, आपको झाग आए तरीके से, बड़ा सा भगोना ले लिया है। इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी और इसको अंदर अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पे इसे कवर। एक मिनट, मैं इसको इस तरीके से कवर कर लूँगी ताकि ये इसके अंदर अच्छे से गर्माई आए और हमारा जो है ये मिष्टी दुई तैयार हो जाए। यहाँ पे मेरे 10 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे 10 घंटे के लिए रखा था। तो अब जी अब मैं इसे खोल लेती हूँ, लेकिन इससे पहले इसका दिखाने के लिए आपने वीडियो को थम्स अप करना है, कमेंट्स करने हैं एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब मैं इसे यहाँ से हटाती हूँ।
तो जी ये देखिए जी, ये मेरी रेडी हो चुकी है मिष्टी दुई और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। मैंने जब पहले घर में बनाई थी तो सबको बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सेकंड टाइम अपने व्यूअर्स के लिए बनाई जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनी।